भारतीय किसान यूनियन चटनी ग्रुप के प्रदेश संगठन सचिव हरपाल सिंह ने यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चटनी को हिटलर शाही बताते हुए अपने पद से रिजाइन कर दिया। हरपाल ने कहा कि इन दिनों यूनियन चंद लोगों की ही बनकर रह गई है और ऐसे में अब चटनी किसी की बात भी सुनकर राजी नहीं है। हालांकि यूनियन के लोगों ने गुरनाम सिंह को पंजाब चुनावों में भाग ना लेने के लिए भी कहा था, लेकिन उन्होंने तब भी किसी की नहीं मानी और अब भी वह किसी की नहीं सुन रहे। यहां तक कि हरपाल ने ये भी कहा कि चटनी जातिवाद पर भी बोलने से गुरेज नहीं कर रहे हैं और ऐसे में उनकी मनमानी के चलते वह अपने पद से रिजाइन कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने साथियों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया कि वह भी उनके साथ यूनियन को अलविदा कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी यूनियन को छोड़ेंगे उनका स्वागत है। कहीं ना कहीं हरपाल सिंह अब अपनी ही यूनियन के प्रधान के खिलाफ हो चुके हैं और ऐसे में हरियाणा के अंबाला से बनी भारतीय किसान यूनियन में शामिल होने की हरपाल की संभावनाएं हैं, जबकि दूसरी तरफ राकेश टिकैत ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि दोनों की यूनियन के लोग हरपाल से बराबर संपर्क साध रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि हरपाल गुरनाम सिंह को छोड़ अब किसका दामन थामते हैं। अचानक तो नहीं, काफ़ी दिनों से ऐसा महसूस हो रहा था मेरे को इस आंदोलन के दौरान भी कि सरदार गुरनाम सिंह चुड़ूनी देखिए हमारे किसान मसीहा थे। हम उनको इसी नज़र से देखते थे कि हमारे किसान मसीहा है, जो लड़ाई मेरे बाप दादे को लड़नी चाहिए थी वो हमारी ज़मीन की हमारी फसलों की वो सरदार गुरनाम जी लड़ रहे हैं और सच्चे मन से लड़ते थे। हम भी उनके साथ 14-15 साल हो गए मेरे को भी उनसे जुड़े हुए, उनके साथ काम कर रहा था। लेकिन इस आंदोलन के दौरान अब ऐसा महसूस हुआ कि एक तानाशाह ऐसा हो गया कि गुरनाम जी किसी की सुनने को ही राजी नहीं है। कोई अगर हम जैसे मैं संगठन सचिव था तो अगर मैं भी शिकायत करता था, देखिए दो बर्तन होते हैं हर घर में खड़कते हैं, देखिए ऐसा तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन जो हमारी किसान यूनियन है वो थोड़ा ये हो गया कि गुरनाम जी सिर्फ 3-4 लोगों तक ही सीमित रह गए हैं। संगठन बड़ा हो गया, परिवार बहुत बड़ा हो गया, बढ़ना चाहिए था, जबकि कि जिनकी राय लेते हैं वो बढ़ना चाहिए था, लेकिन खुद राय लेते हैं। चुनाव पे देख लीजिए, पीछे जब चुनाव में जा रहे थे सबने मना किया था, अकेले ने पहले एक बार मान भी गया कि ठीक है मैं चुनाव में नहीं जाऊंगा, उसके बाद भी फिर अकेला चला गया, कोई बात नहीं नाराजगी ही नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं नाराजगी की, फिर ठीक है चला गया। उसके बाद क्या हुआ, चलो हम चुनाव हार गए गुरनाम जी, कोई बात नहीं, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, उसके बाद आके ऐसी बयानबाजियाँ करना, जाट और झोटे कहना, और कि मैंने क्या ठेका ले रखा है। प्रधान जी ठेका किसी ने दिया थोड़ी था आपको, आपने खुद लिया था, कोई तनख्वाह तो आपको और हमें कोई दे नहीं रहा था, आप लड़ रहे हैं, हमारे मसीहा बन के लड़ रहे थे, लेकिन ऐसी बातें भी ना बोल रहे हैं आप। लोगों को बड़ा दुख हुआ, उसका भी बहुत बुरा प्रभाव, लोग हमें बोलते हैं कि यार देखो तुम्हारा प्रधान क्या बोल रहा है, फिर भी चलो कोई बात नहीं, हम उन सारी चीज़ों को भी ठीक कर लेते। फिर जो हम लोग हैं जो उसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं, कोई तनख्वाह तो हम ले नहीं रहे हैं, एक परिवार से भी बढ़कर अपने रिश्तेदारों से भी ज़्यादा हमारे लिए संगठन के लोग थे। गौरतलब है कि किसान आंदोलन को वापस लेने के लिए गुरनाम सिंह चटनी सबसे आगे आए थे। ऐसे में अब देखना ये होगा कि हरपाल के जाने से किसान यूनियन को कितना फर्क पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।